बलवंत सिंह राजोआणा की भुख हड़ताल तीसरे दिन दे विच पहुंच गई है। लंघे दो दिन भुख हड़ताल जारी रही है और अज इस नू तीसरा दिन तीसरे दिन दे विच प्रवेश कर चुकी है। और इस मामले नू लैके जे गल करिए बलवंत सिंह राजोआणा की सेहत की, तां इस बारे सुपरटेंड जिहड़े पटियाला जेल दे ने उन्होंने वालों मनजीत सिंह सिद्धू दे वालों इस बारे जानकारी सांझी की गई है कि बलवंत सिंह राजोआणा बिल्कुल सेहतयाब ने, उन्हां दी सेहत बिल्कुल ठीक है। दो दिन की भुख हड़ताल लंघ चुकी है, तीजे दिन च पहुंच गई है। इस मामले नूं लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल दे नाल खफा सी क्योंकि 12 साल हो चुके ने, अजे तक सज़ा मुआफ़ी दे बारे ढुकवें कदम नहीं चुके जा सके, ना ही चुके गए ने, यह इल्जाम लगाया गया। खैर जे गल करिए बलवंत सिंह राजोआणा की, तो 5 दिसंबर का अल्टीमेटम दिता सी, 5 दिसंबर नूं भुख हड़ताल शुरू करन दी गल कीती सी और अपनी चिट्ठी दे विच साफ लिखिया सी कि जिहड़ी सज़ा मुआफ़ी की अपील पाई गई है, पटीशन पाई गई है, उसनू वापस लै लिया जाए, रहम पटीशन जिहड़ी है वह SGPC वापस लै लवे। पर इस मामले नू लैके अजे तक कुछ भी नहीं किया गया, ना ही 12 साल की सज़ा मुआफ़ी लिए कुछ किया गया, ना ही ये पटीशन वापस ली गई। सो बलवंत सिंह राजोआणा ने आखिरकार भुख हड़ताल शुरू कर दी। 5 तरीक तो यह भुख हड़ताल शुरू हो गई सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो श्रोमणी अकाली दल तो खफा नजर आ रहे थे बलवंत सिंह राजोआणा। खैर इस पूरे मामले नूं लैके एक पासे तां भुख हड़ताल तीजे दिन च पहुंच गई है, मनजीत सिंह सिद्धू जिहड़े कि जेल सुपरिटेंड ने उन्हां वल्लों यह साफ कर दिता गया कि बलवंत सिंह राजोआणा अजे तक सेहतयाब ने। पर दूजे पासे हुण 5 तख्त साहिबाना के जथेदार जिहड़े ने उन्हां नूं जरूर भागना पै रही ने और नाल दी नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगू भी हुण दिक्कत परेशानी का सामना कर सकते हैं क्योंकि हाल ही दे विच श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नाल दी नाल होर जिहड़े 4 तख्त ने उन्हां दे जथेदारां ने मिल के एक मीटिंग की है। श्री अकाल तख्त साहब के सकत्रेत के अंदर यह मीटिंग की गई है, 5 तख्त साहिबान के जथेदार मौजूद सन और श्री दरबार साहब के हेड ग्रंथी उत्थे मौजूद सन। इन्हां दे वल्लों मीटिंग की गई तो इस मीटिंग दे विच वड्डे फैसले ले गए ने। इस मीटिंग दे विच साफ तौर के उत्ते हुक्म श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जारी कर दिए गए ने कि जे 31 दिसंबर तक केंद्र सरकार वल्लों इस मामले उत्ते खास करके बलवंत सिंह राजोआणा दी सज़ा मुआफ़ी नूं लैके, उन्हां दी रिहाई नूं लैके कुछ नहीं किया गया तां उदों तक का इंतजार किया जाए, नहीं तो उस तों बाद जिहड़ा है वह अपनी पटीशन का रिव्यू किया जाए, अपनी पटीशन बारे विचार किया जाना चाहिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपनी पटीशन ते रिव्यू करना पवेगा और उस संबंधी फैसले लैने पैणगे। इस मीटिंग दे विच मुख मुद्दा उलीकिया गया, केंद्र सरकार का दरवाज़ा खड़काउण दी जिहड़ी तैयारी है वह की गई है, नाल दी नाल एक खास वफद बनाया गया, एक ऐसा वफद जिहड़ा केंद्र सरकार दे नाल राबते विच रहेगा क्योंकि एक पासे तां प्रधानमंत्री वल्लों यह वादा किया गया सी कि बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके जल्द तो जल्द कुछ किया जाएगा, इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी की सी, पर नाल दी नाल हुण अजे तक उस संबंधी कुछ नहीं होया, इस वास्ते एक वफद बना दिता गया। यह वफद केंद्र सरकार दे नाल राबते च रहेगा ताकि उस नोटिफिकेशन संबंधी कोई एक्शन किया जाए और इस वफद दे विच कौन कौन हैगा वह भी जान लेना चाहिए। इस वफद दे विच खास करके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका, उन्हां दे नाल श्रोमणी अकाली दल लीडर विरसा सिंह वलटोहा, बलवंत सिंह राजोआणा दे भैन कमलदीप कौर राजोआणा अते नाल संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द इस वफद दे विच शामिल ने, उन्हां नूं शामिल कीता गया और यह वफद केंद्र सरकार दे नाल राबते विच रहेगा बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई नूं लैके, बंदी सिंघां की रिहाई नूं लैके जिहड़ी भी नोटिफिकेशन पास की गई सी प्रधानमंत्री वल्लों। खैर इस पूरे मामले नूं लैके एक पासे तां श्री अकाल तख्त साहब ते बाकी तख्त साहिबाना दे जथेदारां दी मीटिंग मगरों यह हुक्म जारी हो गए हैं कि हुण 31 तरीक तक इंतजार किया जाएगा, 31 दिसंबर तक इंतजार होगा तो उस तो बाद अगला एक्शन उलीकिया जाएगा। पर इन मीन टाइम इस दे विचाले जिहड़ा खास वफद हैगा यह केंद्र दे नाल राबता बनाई रखेगा और नाल दी नाल ही गलबात चलती रहेगी राजोआणा या बाकी बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके। आने वाला समा की कुछ लियावेगा यह देखना होगा, पर फिलहाल तीजे दिन भी बलवंत सिंह राजोआणा की भुख हड़ताल जारी है और लंघे दो दिन के भुख हड़ताल मुकम्मल की है, उस दे विच भी सुपरटेंड वालों साफ कहना है कि सेहतयाब ने बलवंत सिंह राजोआणा अजे तक, देखना होगा होर कितने देर तक यह भुख हड़ताल चलती है और नाल दी नाल की केंद्र सरकार इस वफद की गल मनूगा और 31 दिसंबर तक की उड़ीकिया जाएगा तो उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि एक्शन लिया जाएगा, हर एक चीज दसते रहेंगे। उदों तक लई बने रहो वन इंडिया पंजाबी ते। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।